बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। वेलकम टू रिजवानाज़ व्लॉग। रिजवानाज़ व्लॉग में अपनी यूट्यूब फैमिली को खुशामदीद करती हूँ। रिजवानाज़ कुकिंग एंड व्लॉग एक्चुअली मैंने एडिट कर दिया हुआ है अपने चैनल का नेम, लेकिन वो जो पुराना नाम है वही मेरी ज़बान पर रहता है। बट आप लोग समझ जाएँ कि कुकिंग एंड व्लॉग जो है वो अब मेरे चैनल का नेम है। तो जी, आज का व्लॉग जो है वो हम करने लगे हैं घर से बाहर, थोड़ा सा शूट क्योंकि मौसम आज ठीक है और जो है बाज़ार से कुछ लाना था, तो मैंने सोचा कि मैं ना आज घर से बाहर थोड़ी सी वीडियो जो है आज जो है आउटडोर शूटिंग हो रही है। देखिए जी, ये हम लोग ना जिस मोहल्ले में रहते हैं ना, बाज़ार हमारा बिल्कुल ही साथ है। ये सामने अब तकरीबन 5-7 कदमों पे बाज़ार है और हम जा रहे हैं बाज़ार। आप लोगों को भी आज विज़िट करवाऊँ कि किस बाज़ार में हम लोग आए हुए हैं। ये हम जो है हमारी जो मोहल्ले की मस्जिद है उसके सामने हम लोग खड़े हुए बात कर रहे हैं। ये है जी मस्जिद अल फारूक, और यहाँ से जो है अपनी गली से जब हम निकले हैं थोड़ा सा ही फासले पे हमारा बाज़ार है। फासला तो है ही नहीं बल्कि बाज़ार के अंदर ही समझ लें कि हमारा घर है। तो चलिए, आप लोग मेरे साथ रहिएगा और हम लोग जो है आज की जो वीडियो है आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या शूट करने वाले हैं हम लोग। आप लोग मेरे साथ रहिएगा। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा है ये बाज़ार का मेन जो है वो रास्ता आ चुका है। तो मेरे साथ रहिए और आगे देखिए। ये आप लोगों को नजर आ रही होगी, देखिए जी चीजें बाजार के अंदर में आप लोगों को दिखाती हूँ। 14 अगस्त का काफी सामान जो है डिफरेंट तरीके का आया हुआ है, कपड़ों से लेकर हेयर पिंस तक है काफ़ी सामान है और सब लोगों ने अपने अपने जो है वो स्टॉल लगाए हुए हैं चीज़ों के। तो खरीदारी 14 अगस्त के स्टार्ट है। आप लोगों ने देखा कि बाज़ार माशाल्लाह से हमारा जो है काफ़ी बड़ा और जमा करने वाला है, तो इसलिए कहीं कहीं पर मैं जो है वो आपको बोल के नहीं बताऊँगी, आप लोग वैसे ही विज़िट कर लीजिएगा। ये देख रहे हैं आप माशाल्लाह से बहुत हमारा बड़ा बाज़ार है और जो है मैं आपको बता चुकी हूँ कि बिल्कुल ये बाज़ार के मेन में हम रहते हैं, जो है सिटी के बिल्कुल मेन के अंदर है और ये मेन बाज़ार ही है सारा हमारा। सारी दुकानें जो हैं हमें बिल्कुल जो है अपने दरवाज़े के बाहर ही मिल जाती हैं और हम अच्छे तरीके से जिस वक्त दिल करें हम लोग शॉपिंग कर लेते हैं और बहुत ही जो है इस चीज़ में हमें आसानी है, हमें बिल्कुल भी कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ती। तो ये जो है बाय वॉक ही हम जो है हर चीज़ के पास हम लोग पहुँच जाते हैं। तो चलिए, आप लोगों को आगे दिखाती हूँ कि क्या सीन है। बाज़ार के रास्ते में ही जो है ये मैं आपको दिखा रही हूँ भलोल दाना दरबार है और ये माशाल्लाह से आप लोग देखते हैं कि काफ़ी बड़ी इसकी एंट्रेंस भी और आगे से भी काफ़ी ये बड़ा है। तो जाते हुए हम लोग इसको जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अंदर से इसका विज़िट जो है मैं इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आप लोगों को ज़रूर करवाऊँगी। जिन लोगों को फिर भलोल दाना के अंदर से
विज़िट करना है वो कमेंट बॉक्स में मुझे जो है कमेंट कीजिएगा कि हमें दिखाइए। ये जो है वो एंट्रेंस पे बिल्कुल आलम लगा हुआ है और आगे जो है काफ़ी ज़्यादा वो है दरबार वगैरह है, इमाम बागा है। तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसका विज़िट करवाऊँ और अंदर से दिखाऊँगी सब कुछ। तो चलिए आगे बाज़ार चलते हैं जी। तो बाज़ार हम लोग आ चुके हैं और आगे आते आते हमें पता चला है कि ये आज थर्सडे है और थर्सडे बाज़ार लगता है यहाँ पे। तो चलिए मैं आप लोगों को थर्सडे बाज़ार का भी विज़िट करवाती हूँ। एक्चुअली थर्सडे बाज़ार में जो है वो काफ़ी मुनासिब प्राइजेस पे जो है वो चीज़ें लगी होती हैं। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि जो है वो यहाँ पे जुमे रात बाज़ार लगता है। जैसे मुंबई शहर में संडे बाज़ार और जुमा बाज़ार वगैरह लगते हैं, तो हमारे एरिया में ये जुमे रात वाले दिन जो है ये एक सस्ता बाज़ार लगता है। तो चलिए मैं आप लोगों को विज़िट करवाती हूँ कुछ शॉप्स का भी अंदर जाके कि कैसे ये चीज़ें जो हैं वो बाज़ार की नस्बत थोड़ी सी कम प्राइस में दे रहे हैं। और फिर आप लोगों को जो है नेक्स्ट दिखाती हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। ये सामने जो है की शॉप है जहाँ जहाँ से हम लोग जो है वो यूजली चिकन लेके जाते हैं। और पीछे जो है वो दूध वगैरह की जो शॉप्स हैं वहाँ से भी हम लोग खरीदारी करते हैं। तो आइए इस बाज़ार के अंदर चल के देखते हैं कि चीज़ें कितनी हद तक सस्ती हैं, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये देखें जी, स्टार्ट में हमें एक जो लेटेस्ट वाली शॉप है वो मिली है और इन्होंने बाज़ार से तकरीबन 10 रुपये सस्ती लेस लगाई हुई है। इतनी कोई बहुत ज़्यादा सस्ती भी नहीं है, लेकिन लेटेस्ट के डिज़ाइन और कलर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए आपको नज़र आ रही है और जो काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत सी लेटेस्ट हैं। और इसके साथ ही जो है वो यहाँ पर जो खाने पीने के लिए देखिए कढ़ाई पड़ी हुई है आपको नज़र आ रही है। और यहाँ पर पकौड़े और जो है वो मैटियाँ आलू की और पता नहीं क्या कुछ स्नैक्स वगैरह पड़े हुए हैं। तो आप लोग ये देखें कि काफ़ी शॉपिंग हो रही है। और इसके साथ ये सामने आप लोग देखें यहाँ पे भी जो है एक कपड़े वाली एक शॉप लगी हुई है। ये बाज़ार से तकरीबन मुझे समझ आ रही है कि जो है कोई 10 या 20 रुपये कम करके ना तो चीज़ें लगी हुई हैं। कोई बहुत ज़्यादा तकरीबन चीज़ें नहीं हैं इधर जहाँ तक मैं देख रही हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को आगे भी दिखाती हूँ। ये देखिए ये भी कपड़े लगे हुए हैं। इसी तरह से सब लोगों ने ना जो है वो चीज़ें बाज़ार में रखी हुई हैं। ये देखिए ब्लैक और जो है वो स्किन से कलर का प्रिंट है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन प्राइजेज मैं इसकी नहीं पूछूंगी क्योंकि मुझे नहीं ये ख़रीदना। सिर्फ मैं जो है वीडियो बनाने के लिए घर से निकली थी और जो है थर्सडे बाज़ार जो है रास्ते में आ गया। थर्सडे बाज़ार जो है वो हम विज़िट करना शुरू हो गए और आप लोगों को भी मैंने विज़िट करवा दिया। जुमेरात वाले दिन जो है जी इस जगह पे बाज़ार लगता है। एक्चुअली ये रास्ता जो है वो इमाम साहब दरबार की तरफ जा रहा है और ये बाज़ार जो बाज़ार लगा हुआ है ये भी इमाम साहब बाज़ार के नाम से ही जो है इसको जाना जाता है। ये देखिए जी, पीछे भी हमने आपको 14 अगस्त की चीज़ें दिखाई और आगे भी ये देखिए 14 अगस्त का कितना ज़्यादा जो है वो और डिस्प्ले हुआ हुआ है सामान। ये देखिए बच्चियों के और बच्चों के सब जो है वो चीज़ें लगी हुई हैं। और इसके साथ साथ बाज़ार का जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है सीन आपको नज़र आ रहा है। तो ये रेगुलर दुकानें भी अंदर हैं। ये देखिए ये देखिए ये बर्तन लगे हुए हैं इसी तरह से इस तरह बर्तन। ये एक सब्जी वाले की रेड़ी और उसके साथ ये बाज़ार। ये देखिए जी, यहाँ पे हमें नज़र आ गए हैं कच्चे जो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं और माशाल्लाह से आजकल काफ़ी इन हैं। ये देखिए माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर वैरायटी पड़ी हुई है। ये देखिए ये ठूठियाँ हैं, ठूठी जो आजकल के मतलब जो है मुहर्रम में न्याजे वगैरह दी जा रही हैं ना उस सिलसिले में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। ये हैं इसके साथ प्याले पड़े हुए हैं, ये भी आजकल जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होंगे क्योंकि मुहर्रमुल हराम की जो न्याजे हैं ना वो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा दी जाती हैं। तो इस वजह से ये आजकल उन्होंने ज़्यादा ही बाहर निकाल के रखे हुए हैं। इसके साथ साथ और घरेलू यूज़ की जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं ये
ग्लासेस और ये खंडिया वगैरह सब जो है इनके पास अवेलेबल है। ये देखिए ये बच्चों के लिए भी, बच्चियों के लिए छोटी छोटी सी जो है इन्होंने पैक बना के रखे हुए हैं ये वाले। ये देखिए कितने प्यारे इन्होंने पेट वाली जो चीज़ें हैं ये इस तरह से रखी हुई। एक्चुअली मैंने भी अपनी बेटियों को जो ये चीज़ें ना लेके दी हुई हैं काफ़ी, लेकिन बच्चे हैं तो बच्चे तो इन चीज़ों को ख़राब ही कर देते हैं, इस वजह से जो है ये मेरी तो बच्चियाँ ठीक नहीं रहने देती हैं, लेकिन बार बार लेती भी ज़रूर हैं, शौक है लेकिन संभालती नहीं है, टूट जाती हैं ये। तो ये देखिए जी ये गुल्लड़ देखिए कितना कोई प्यारा पड़ा हुआ है, ये देखते हैं गुल्लड़ है ये कितनी खूबसूरत से इसके ऊपर जो है माल बनाने के लिए। तो ये देखिए ये बहुत ही आजकल जो है चीज़ें फेमस हैं इन हैं, और जो है यूट्यूब पे तो बहुत ही ज़्यादा इनके साथ आजकल जो है वो काम किया जा रहा है। ये देखिए जी जैसा मैंने आपको बोला था कि छोटी से छोटी चीज़ भी है और जो है वो काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है इस जगह पे, काफ़ी ज़्यादा बड़ा बाज़ार है। हम लोग सारा विज़िट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना है और बहुत लंबी हमारी वीडियो हो जानी है। इस तरफ देखिए ये बैग्स का स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पे नज़र आए हैं जी जूते, ये देखिए मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटी और तकरीबन हर तरह के जूते मुख्तलिफ़ प्राइजेस में लगे हुए हैं। आप लोग यकीनन एंजॉय कर रहे होंगे कि आज हम बाज़ार घूम रहे हैं। मैंने अभी तक किसी एक शॉप से भी कुछ भी नहीं पूछा कि ये कितने का है या कितने का नहीं है, क्योंकि मैं एक्चुअली में ये शॉपिंग करने आई ही नहीं थी घर से। तो यहाँ पे हमें नज़र आया है दुपट्टों का कलेक्शन, और ये देखें दुपट्टे कितने कितने खूबसूरत हैं इसके पास। मैं इसीलिए इस शॉप पर रुकी हूँ कि आपको दुपट्टों का जो है ना कलेक्शन दिखाऊँ। यहाँ पर देखिए ये हमें जो है ना शॉपकीपर वो कह रहा है कि सारे का सारा जो है ना वो मेरा कलेक्शन दिखाएं, तो चलिए हम दिखा देते हैं। अभी हमारा क्या जाता है, हम तो बाज़ार में आए हुए हैं और ये चीज़ आप लोगों को दिखाने के लिए भी एक्चुअली आए हैं, तो दिखा देते हैं इसका सारे का सारे कलेक्शन जो उसमें रखा हुआ है। ये देखें ये दुपट्टे तरह तरह के दुपट्टे मुस्लिम कलर्स में कढ़ाई वाले काफ़ी जो है लिमिटेड प्राइस में। ये देखें जी ये भाई कह रहे हैं कि मेरा भी चैनल यूट्यूब पर है, तो इनका चैनल भी जो है आप सपोर्ट कीजिएगा मेरे साथ साथ, ठीक है। तो जो है तो आप अपना अपने चैनल का नाम बता दें, हरून दूल हाउस के नाम से जी इनका चैनल है, वो भी आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, इनको भी जाइएगा विज़िट कीजिएगा कि क्या है इनके चैनल के ऊपर। जब आप इनके चैनल को विज़िट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनका किस चीज़ का चैनल है। ये देखिए ये भी दुपट्टे हैं जी सामने, और काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है। ये देखिए देखिए जी एक फैंसी कपड़ों का स्टॉल मिला है हमें, और यहाँ पे भी काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत से कपड़े हमें नज़र आ रहे हैं बाज़ार में। ये देखिए ये यहाँ पे ग्रे कलर का काफ़ी कलर काफ़ी वैरायटी है यहाँ पे भी। आप लोग हो सकते हैं कि आपको विजिट करना पड़ जाए यहाँ पे, तो दिखा इसलिए रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, अगर आप लोग करना चाहेंगे तो ज़रूर कीजिएगा, अगर कर सकते हैं अगर इस जगह पर आएँगे सियालकोट भी इमाम साहब काम करने आएंगे तो जुमेरात वाले दिन इस बाज़ार का भी ज़रूर इंतजार कीजिएगा। जो है वो मुझे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें नज़र आई हैं, सस्ता बाज़ार है जी, ये अंकल कह रहे हैं कि सस्ता बाज़ार है तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ये देखिए जी एप्पल्स की एक रेड़ी है और माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत भी लग रही है, उसके साथ ही जो है एक बकरों वाला भाई है उसने बकरों की रेड़ी लगाई हुई है। भाई क्या ये बाज़ार से सस्ते हैं बर्तन इस वक्त? ये बाज़ार से सस्ते आप लोगों ने लगाई हुई चीज़ें? ये यहाँ पे सस्ती भी बिकती है महंगी भी है। अच्छा भी है, डिफरेंट रेट्स हैं सारे, मतलब नई पुरानी के हिसाब से महंगी सस्ती है, ठीक है जी। हाँ ये कह रहे हैं कि अगर नई वैरायटी आपको मिलेगी ना तो वो आपको महंगी ही मिलेगी यहाँ पे भी, लेकिन अच्छे वाली मिल जाएगी, लेकिन बाज़ार से फिर भी कह रहे हैं कि थोड़ी सी सस्ती मिलेगी। और ये मुझे एक कप का डिज़ाइन जो है बड़ा ही पसंद आ रहा है, ये देखें हाँ ये देखें ये जो है ना भाई ये खुद ही दिखाने लग गए हैं कि देखेंगे कितनी कितनी प्यारी चीज़ें और हैं बाकी, ये बहुत प्यारी चीज़ें बच्चों के लिए देखें कि किस कदर प्यारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर ये
आपका डिज़ाइन भी मुझे बड़ा पसंद आया है, ये ब्लैक ये डार्क ब्राउन है तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए माशाल्लाह से बाज़ार में इतना को रश है ना कि वीडियो बनानी भी जो है ना मुश्किल हुई है, और मैं जो है ना एक जगह पर खड़ी होकर ना तो ये चीज़ें शूट कर रही हूँ। ये देखिए चैनल वालों के लिए तो भाई ये कमाल वैरायटियाँ हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी। ये बाउल है एक्चुअली बहुत ही अच्छा बाउल है। तो चलिए जिस वक्त मैंने खुद ये शॉपिंग करनी होगी ना तो तब भी आप लोगों के साथ ही आऊँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैं क्या क्या यहाँ से खरीद रही हूँ। चलते हम पहुँच आए हैं जी इमाम साहब मज़ार में, और यहाँ पे ये देखिए जो मज़ार के एंट्रेंस की साइडों पे जो है ना वो लगी हुई है शॉप टॉयज़ की, जिसमें बच्चों के लिए काफ़ी जो है वो टॉयज़ छोटे मोटे रखे हुए हैं। तो ये देखिए सामने आपको इमाम साहब मज़ार नज़र आ रही है माशाल्लाह से। और ये भी देखिए ये भी साइड के ऊपर चूड़ियों का स्टॉल लगा हुआ है, और ये लेडीज़ ने लगाया हुआ है एक्चुअली। ये देखिए ज़रा स्टॉल कितना अच्छा चूड़ियों का भी लगा हुआ है। चलिए जी बाज़ार की एंट्रेंस पे हम लोग पहुँच चुके हैं। ये देखिए आपको बाज़ार की एंट्रेंस में ना ऐसी चीज़ें कुछ मिलेंगी जो लोग लेके ना तो अंदर बाज़ार में जाते हैं और फिर जो है सलाम करते हैं। मैं भी एक्चुअली अंदर जाऊँगी सलाम करने के लिए, तो इसके बाद जो है वो आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी। जी ये बाज़ार की एंट्रेंस है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि नाम क्लोज से आपको नज़र आए लेकिन नज़र नहीं आ रहा। तो ये इमाम अली हक शहीद लिखा हुआ है, ये उनकी मज़ार है, और जो है ये जो सारा बाज़ार पीछे हम देख के आए हैं ना ये इन्हीं के नाम से मुंसलिक है जी। इमाम साहब बाज़ार जो है वो जुमेरात में दिन यहाँ पे लगता है, तो मैंने आपको इसलिए दिखाया कि चलिए मैं आपको कोशिश कराती हूँ कि सस्ती चीज़ें भी जो हैं आजकल के दौर में थोड़ी सी मिल रही हैं। ये देखिए जी एंट्रेंस माशाल्लाह से अंदर बाज़ार तक जाने के लिए जो बनी हुई है आप लोग को नज़र आ रही है, कितनी खूबसूरत फूलों से रास्ता की हुई है। सारी की सारी एंट्रेंस जो है वो बहुत ही प्यारी रास्ता की गई है, और आगे अभी एंट्रेंस अभी आगे है काफ़ी। तो चलिए मैं जा रही हूँ अंदर बाज़ार के, और ये आगे हैं जी हम बाज़ार के अंदर, और ये लेडीज़ की तरफ से जो रास्ता है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ से जो है वो लेडीज़ अंदर जाती हैं और दूसरी साइड से मर्दों के लिए रास्ता बना हुआ है। तो चलिए मैं ज़रा दुआ मांगती हूँ और आप लोग भी दुआ कर लीजिएगा इमाम साहब के दरबार पर, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला सबकी दुआओं को कबूल फरमाए। बाज़ार का भी माशाल्लाह से एक्चुअली बहुत ही बड़ा एरिया है, जो कवर करने लगूंगी ना एक एक चीज़ को तो बहुत ही ज़्यादा मेरी वीडियो जो है वो लेंथी बन जानी है, तो इस वजह से मैं कुछ कुछ चीज़ों को रिकॉर्ड करके आप लोगों के सामने दे रही हूँ जी। तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की सैर होगी बाज़ार की, और ये देखिए यहाँ से आप लोगों को बहुत ज़्यादा रश नज़र आ रहा है। बाज़ार में रश भी नहीं जा सकती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, कहाँ है बल्कि गर्मी की, और इसके बावजूद मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाइए। देखिए यहाँ पे भी जो है ये जगह गोश्त की चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, तो चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये भाई जो है वो अचार की चीज़ें बेच रहा है, और इसके साथ ही जो है ये जो है बाज़ार इमाम साहब बाज़ार की जो एंट्रेंस है अभी आगे अंदर बहुत बड़ा बाज़ार लगा हुआ है, लेकिन सॉरी टू से कि मैं इतनी गर्मी में और ज़्यादा मज़ीद रश के अंदर नहीं जा सकती हूँ, तो इसलिए मैं सब लोगों को यहीं से जो है अपनी वीडियो को वाइंड अप करके अल्लाह हाफिज़ कहना चाह रही हूँ। तो जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी जो बाज़ार की वीडियो है आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, और मुझे दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिर्चा 20 रुपये किलो, देसी चारी मिर्चा 20 रुपये किलो।